फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि एपीजी ब्यूटी जोन से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पिंकिश सा ग्लो देने वाला फेस पैक। ऐसा फेस पैक जो अपने फेस पे ग्लो, वो भी पिंक सा ग्लो चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आज का। तो चलिए फटाफट से हम उस फेस पैक को बनाने के लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स को चाहिए हमें वो देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए रॉ मिल्क। आपके पास रॉ मिल्क हो तो रॉ ले लीजिए, बॉयल हो तो बॉयल ले लीजिए। और रोज़ पेटल पाउडर, आलमंड आयल और रोज़ वाटर। अब हम इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे इसमें रोज़ पेटल पाउडर। अगर आपके पास रोज़ पेटल पाउडर का ये नहीं है तो आप जो रोज़ होते हैं उनको ले लीजिए, उनकी पंखुड़ियों को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट, उसका एक स्मूथ सा नहीं, एक ड्राई सा पेस्ट आप उसका बना लीजिए। और उसको एक टेबल स्पून ले लीजिए और उसमें ऐड करना है हमें एक टेबल स्पून मिल्क। मिल्क और रोज़ वाटर अपनी थिकनेस को, अपने फेस पैक के थिकनेस को देखते हुए आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो। पर आपको जो रोज़ पेटल पाउडर है वो और आलमंड आयल ये जो है वो जिस मात्रा में बता रही हूँ उतना ही लेना है। एक टेबल स्पून रोज़ पाउडर में अगर आप आलमंड आयल डालेंगे तो 2 से 3 ड्रॉप, बस 2 से 3 ड्रॉप आप उसमें आलमंड आयल डालिए। और एक टेबल स्पून मिल्क और एक टेबल स्पून आप इसमें रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप पहले पेस्ट को थोड़ा सा मिला लीजिए, फिर देख लीजिए आपको कितना ज़रूरत है। जितना आपको पेस्ट को स्मूथ करने के लिए ज़रूरत हो बस उतना ही ऐड कीजिए। अगर आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रहा है, बहुत ड्राई ड्राई सा लग रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा रोज़ वाटर और बढ़ा सकते हैं और अपने फेस पैक को एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर दीजिए। उसके बाद आप उसको अपने फेस पे लगाइए। ये देखिए हमारा फेस पैक जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है। इस फेस पैक को लगाने के बाद आपके फेस पे एक पिंक सा ग्लो आता है जो कि हर लड़की चाहती है। तो चलिए अब हमारा फेस पैक रेडी हो गया, अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है। कोई भी फेस पैक, मास्क, कुछ भी आप अप्लाई करते हो तो ये सभी को पता है कि हमें सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना होता है। आप कितना भी फेस वॉश वगैरह किया हो अगर आपने थोड़ी देर पहले, तब भी आप अपने फेस को एक बार फेशियल वाइप से क्लीन कर लीजिए या फिर आप तुरंत फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद किसी भी फेस पैक या किसी भी फेस मास्क को अप्लाई कीजिए। अब अपने फेस पैक को मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इस फेस पैक में मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और रोज़ पेटल पाउडर मैंने इसलिए इसमें यूज़ किया है क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे फेस पे एक ग्लो तो देता है पर एक पिंकिश सा ग्लो देता है जो कि रोज़ की एक खूबी है, वो और किसी में नहीं मिल सकता। रोज़ से जो पिंक वाला ग्लो आता है वो किसी भी चीज़ से नहीं आ सकता, तो इसलिए मैंने इसमें रोज़ पेटल पाउडर यूज़ किया। अगर आपके पास रोज़ पेटल पाउडर नहीं है तो आप नेचुरल रोज़ ले लीजिए, उसको उसकी पंखुड़ियों को निकाल लीजिए और उसको अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको आप चाहें तो पीस लीजिए मिक्सर में डाल के, और चाहें तो आप उसको हाथ से ऐसे मसल लीजिए, वो अच्छा सा ड्राई हो जाएगा, वो अच्छा सा एक पाउडर बन जाएगा क्योंकि वो ड्राई रहेगा इसलिए। और इसमें आप मिल्क ऐड कीजिए, रोज़ वाटर ऐड कीजिए और 2 से 3 ड्रॉप आलमंड आयल यूज़ कीजिए। अगर आपके पास आलमंड आयल नहीं है तो आप अपना फेशियल ऑयल जो होता है या फिर रोजहिप सीरम होता है जो, या फिर कोई भी सीरम जो आपके पास हो उसे भी 1 से 2 ड्रॉप इसमें मिक्स कर सकते हैं और इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए जैसे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकें। और फिर अपने फेस को क्लीन करके इसको अपने फेस पे एक अच्छी सी लेयर लगा लीजिए पैक की तरह। और पैक को लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए अच्छे से ड्राई हो फिर भी, और ना और थोड़ा सा अगर रह भी जाए तो भी आप 10 से 15 मिनट इसको रखिए। इसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए, चाहे तो आप इसको, और थोड़ा सा यहाँ मेरा फेस पैक जो बच गया था उसको मैं नेक पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ क्योंकि वेस्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको बच जाए तो आप अपने नेक पे, हैंड पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फेस पैक आप बनाओ। तो इस तरह मैंने इसको नेक पे भी अप्लाई कर लिया। अब इसको मैं अच्छे से 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी और जब ये 10 से 15 मिनट हो जाएगा फिर मैं इसको, आप चाहें तो गीले टावल से, आप चाहें तो वाटर से, नॉर्मल वाटर से, जैसे भी आपको लगे, आपको आराम हो, जैसे भी आपको इसको निकालने में, वॉश करने में, आप वैसे इसको वॉश कर लीजिए। और इसमें कोई भी ऐसे इन्ग्रीडियंट्स नहीं है जो हमारे आईज़ के पास लगाने से कोई हमको नुकसान है, तो आप इसको बेहिचक हर जगह आईज़ के पास भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। और ये हमारा फेस पैक ड्राई हो गया। अब मैं इसको
उसे फेसियल वाइप्स की हेल्प से थोड़ा सा निकाल लिया। अब मैं जाके इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। और देखिए वॉश करने के बाद आप खुद देखिए, मैंने कोई भी मेकअप या कुछ भी नहीं किया, फेस पैक लगाने के बाद ही कितना शाइन कर रहा है मेरा फेस। और मुझे बहुत स्मूथ से ऐसे लग रहा था, मेरे चिक जो थे मुझे बहुत ही स्मूथ लग रहे थे। और डेफिनेटली अगर आप अपने फेस पे पिंकी ग्लो चाहते हैं या फिर नेचुरल ग्लो चाहते हैं तो आप इस पैक को हफ्ते में 3 से 4 बार ट्राई कीजिए। और अगर आप डेली ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेली भी कर लीजिए। और फेस पैक को जब भी आप अप्लाई कीजिए, फेस पैक या फेस मास्क को, उसके बाद आप टोनर ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का रोज़ टोनर यूज़ कर ले रही हूँ। अपने लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए गुड वाइब्स का ही लेमन लिप बाम है, इसको लगा लूँगी। बस आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डेली वे में इस फेस पैक को यूज़ कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में इस फेस पैक को यूज़ कर लीजिए। और आपको कोई मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे। तो ये देखिए लग रहा है ना आपको नेचुरल वाला लुक बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।